दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे CUET 2022 के आंसर की, जो कि आज आने की उम्मीद है। CUET 2022 इस बार बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया है, बहुत बार एग्जाम पोस्टपोन हो गया है और बहुत सारे बच्चों को एग्जाम देने में दिक्कतें आई हैं। लेकिन इस दिक्कतें के बावजूद भी आज आंसर की आने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज है, आज की बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि देश में 15 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस साल IPR हुए हैं CUET अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस में। इसके साथ साथ PG का भी एग्जामिनेशन चल रहा है, तो टोटल UG PG के मिला लें तो कम से कम 20 लाख 2 मिलियन स्टूडेंट ने IPR हुए हैं किसमें, CUET एग्जामिनेशंस में, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में। तो कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, रिजल्ट डेट के बारे में चर्चा करेंगे, काउंसलिंग के बारे में चर्चा करेंगे, रिजल्ट कैसे देखेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों यारों को अच्छी खबर, खुशी की खबर फैलाइए और फैला के इसके बाद अपना आंसर की भी चेक कर लीजिएगा। चलिए आपको ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक बताता हूं कि कब क्या आ सकता है। सबसे पहले रिजल्ट डेट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कट ऑफ और कैसे देखेंगे। देखिए रिपोर्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, CUET विल बी रिलीजिंग द रिजल्ट बिटवीन September 13 and 14, 2022। ये दैनिक जागरण का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि CUET का जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 13 से 14 के बीच में आएगा, लेकिन आंसर की विल बी रिलीजिंग टुडे ऑन September 6, 2022। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट का आंसर की विल बी रिलीज टुडे ऑन September 6, ये दैनिक जागरण का रिपोर्ट है। एक बार रिलीज हो जाता है आंसर की तो आप लोग CUET summer.ac पे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वैसे रिजल्ट का अपडेट NTA पे भी आता है और CUET summer.ac.in पे भी आता है, खबर आती है। लेकिन रिजल्ट कहाँ चेक करना है, CUET summer.ac.in पे। अब कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद आपका जो क्रेडेंशियल है यानी यूजर नेम पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा। कहीं कहीं क्या होगा, अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ यानी जन्मदिन से आप लोग लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट लिंक पे जाइएगा आंसर की पे, वहां पे क्लिक करके आंसर की जब आएगा आपका रिस्पॉन्स शीट भी आएगा, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू होंगे, आंसर की एक हाथ में मिल जाएगा, दूसरे हाथ में आपका रिस्पॉन्स शीट मिलेगा कि आपने क्या आंसर दिया है। तो इससे यह पता चल जाएगा कि आपका क्या आंसर दिया है और आंसर की क्या होना चाहिए, इससे आप अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो एक फॉर्मूला होता है कट ऑफ का, वो होता है कट ऑफ का जो फॉर्मूला होता है 60%, तो 50-60%, क्योंकि CUET एग्जाम पहली बार हो रहा है तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन जनरलाइज वे में जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं सबका कट ऑफ 60 डिग्री के आसपास रहता है, 60% के आसपास, डिग्री नहीं 60% के आसपास रहता है। तो 60% के आसपास नंबर है, जैसे 50% भी है तो कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि आप जब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किए हो तो हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ सेम नहीं होगा। जैसे BSc अगर DU में एडमिशन लेना चाहेंगे और वही BSc इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ और DU का कट ऑफ में बहुत अंतर होगा। तो कोई ना कोई मिल जाएगा अगर 50% से लेकर 60% के बीच में आपका मार्क्स होता है परसेंटेज में, तो आपका कोई ना कोई कॉलेज, अच्छा कॉलेज, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद ऑटोनोमस है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे। काउंसलिंग कैसे होगा, देखिए रिजल्ट तो कैसे देखेंगे, मैंने आपको बता दिया कि लॉगिन, जैसे आप जैसे फॉर्म भरे थे, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, उसी तरह लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अपना आंसर की निकाल सकते हैं, रिस्पॉन्स शीट भी, अपना क्रेडेंशियल को लॉगिन करके समर्थ वाले वेबसाइट पे। काउंसलिंग के लिए DU अपना रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोलेगी, जामिया ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोली हुई है, जिनको जामिया में एडमिशन लेना है फिर से उन्होंने पोर्टल खोला हुआ है, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU, सब अपना पोर्टल खोलेंगे। जब पोर्टल खोलेंगे तो उसमें CUET का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, CUET का जो एप्लीकेशन नंबर है, वो इस्तेमाल करके आप जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें काउंसिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो मैंने आपको काउंसलिंग कवर कर दिया, रिजल्ट 13 से लेकर 14-15 सितंबर तक आने की उम्मीद है, कट ऑफ बता दिया, आंसर की आज रिलीज हो रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका फेवरेट कोर्स और फेवरेट यूनिवर्सिटी कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका आपका कोर्स का डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा कमेंट्स जल्दी वीडियो आपको मिलेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।